ये है उसका तूतर, तूतर? जो ये नेल कटर बहुत वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम पे, गर्मी में पहनने के लिए बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक झोक भरी छोटी सी दुनिया में। तो यस, आप यही सुन रहे थे कि पीछे सुफियान कुछ बोल रहे थे, तो मैं बताती हूँ वो क्या बोल रहे थे। मैं बोली कि सुफियान तुम मेरी कभी तारीफ नहीं करते हो। तुमने क्या बोले, तुमने बोले मैं क्या दिख रही हूँ, एकदम अर्बन दिख रही हूँ। हाँ ये बोले तुमने, तो उसके ऊपर मैंने बोली सुफियान तुम मेरी कभी तारीफ नहीं करते हो, तो मेरे को बोलते कि तारीफ उसकी की जाती है जो कभी कभार अच्छा लगता है, तो तुम रोज अच्छे लगते हो, ऐसा सुफियान ने कहा। नाम भी लिया क्या? कभी कभी कौन अच्छा, कभी अरसलान अच्छा दिखता है, कभी आरती, कभी मिसबा। तुम रोज अच्छे दिखते हो, तुम्हारी रोज नहीं करते। कितना अच्छे से एकदम बचत वाली चीज कर रहे। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, पक्का ना आज शॉपिंग करने जा रहे हैं। अरे तुम रहन दो, आधा घंटा पहले उठ के इतनी बातें मेरे को तुमने सुना दी है। आधा घंटा पहले नहीं गाइस, मैं उठी हूँ 2:00 को, और 2:00 से लेके 3:00 तक मैं इसको उठा रही थी, और 4:00 को फिर मैंने नाश्ता की, फिर उसके बाद ये उठे, और अभी 5:00 हो रहे, और इनका नाश्ता अब जाके हुआ है, फिर पॉटी हुई है, फिर स्नान हुआ है, हर चीज हुआ है इनका। तो इंसान हाइजीनिक रहे, तुम्हारे गंदा उधर निकल जाएंगे। रिपीटेशन में। चलो गाइस अभी जल्दी जल्दी जाते नीचे शॉपिंग करने के लिए, बहुत टाइम पास हो गया। हम लोग निकल चुके हैं, और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी गाड़ी पे कोई उंगली कर रहा है। देखो गाइस, ये दूसरी बार मेरे साथ हुआ है कि मेरा वाइपर चोरी हो गया है। मतलब एक इंसान कोई चोरी तो करता नहीं है, बट ये कोई उंगली करने के लिए जरूर करता है। और मैंने अभी सोसाइटी में कंप्लेंट किया हूँ, मैंने, और अभी गाड़ी में मैं सोच रहा हूँ डैश कैम लगा लूँ कि पूरा दिन 24 घंटे रिकॉर्ड हो, कौन गाड़ी के आसपास आ रहा है, कौन गाड़ी के आसपास नहीं आ रहा है। तुम तो चोर को इत्तला कर रहे हो। क्यों इत्तला करो, डैश कैम लगा दूंगा तो अच्छा, चोरी नहीं करेगा ना, नुकसान तो नहीं होगा अपना। उसको पकड़ के करेंगे क्या, आप उनका पकड़ के अचार डालेंगे उसका? बात तो वही है, समझे? देखते हैं जो चोरी करेगा, जो उंगली करेगा, अल्लाह उसको दिखाएंगे क्या है क्या नहीं। सुफियान को कुछ भी नॉलेज नहीं है बच्चों की, तो एटलीस्ट अगर मैं अभी इनको लेके जा रही हूँ तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाएगी। तो अगर मैं हॉस्पिटलाइज रहती हूँ डिलीवरी में, तो सुफियान भी जा सकते हैं फिर बेबी की शॉपिंग करने। तुमने बताया कि अपन किसकी शॉपिंग करने निकले? यस, हम आइजल की शॉपिंग करने निकले, बिकॉज आइजल के 40 डेज कम्प्लीट होने वाले, और वो अपनी मामी से मिलने वाली है, तो मामी ऐसे खाली हाथ तो जाएगी नहीं, मामी लेके जाएगी कुछ ना कुछ अच्छा स्पेशल उसके लिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कहाँ जाए अब। अरे घिसा बेटा, एक ही मॉल जाते हैं अपुन, ग्रैंड सेंट्रल मॉल। ऐसा एक चप्पा याद हो गया मेरे को। अच्छी बात है ना, यहाँ पे मॉल तो है एटलीस्ट। तुम्हारा कुलाबा कॉल तो वेस्ट साइड में भी बच्चों के कपड़े मिलते हैं, मॉल है वो। ये बेबी इंडिया को मॉल कहता है गाइस, कमेंट करके बताना अगर जिसको मालूम रहेगा। तो कुछ नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, और वहाँ से बहुत क्यूट क्यूट चीजें लेने वाले आज गाइस, बहुत मजा आएगी। ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, ओके? तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल में, हमेशा की तरह घिसे पीटे मॉल में हम लोग आते हैं। तो निदा मेरे को, ये घिसा पीटा मॉल है, लोग यहाँ पर आने के लिए तरस दुनिया के कोने कोने से, पता है अभी एशिया भी का थर्ड लार्जेस्ट। अरे यार, तुमको क्या पैसा मिला प्रमोशन करने का मॉल का, जबरदस्ती फ्री हो रहे हो। तो मेरे को ये बताओ, मॉल में तो आ गए लेकिन मॉल में लेने क्या है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। तुम कंफ्यूज हो? मैं तो नहीं हूँ। मैंने सोची हूँ कि कुछ ऐसा ले जिसे उसे अभी तो याद नहीं रहेगा आइजल को, कि अरे मेरी मामी या मामा ने ऐसा कुछ दिए, बट उसको आगे जाके याद रहेगा, वो एकदम मेमोरेबल रहेगा उसके लिए। तो क्या वो क्या के लिए आपको वेट करना पड़ेगा? चलो चलो। तो गाइस इसने घुमा फिरा के फिर से हम लोगों को लेके आई कैरेट लेन में, जहाँ से हम लोग हमेशा शॉपिंग करते। मतलब निदा तुम यहाँ पे क्या खरीदने वाला, मुझे बताओ। यहाँ पे देखो ना, स्पेशल मतलब बच्चे लोग के लिए सब कुछ मिलता है यहाँ पे। न्यू बॉर्न के लिए काउंटर है, भगा देंगे यहाँ से। अभी वैरायटीज तुम दिखाओगे क्या लेना है क्या नहीं, अभी मैं सोच रही अभी मत दिखाओ यार, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो लोगों के लिए। मतलब अभी तो अपन तुम क्या क्या चीजें, मैं कि ये वाला जो गिफ्ट है ये हम लोग थोड़ा सा उन लोग के लिए ही रखे हुए। अच्छा, उन लोग को भी नहीं बताएंगे? अच्छा, मतलब नॉट ओनली आप लोगों को बट ऑल्सो आइजल और उसकी मॉम डैड के लिए भी सरप्राइज रखना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से ले लेंगे और दिखाएंगे आपको तब जब वो हम लोग गिफ्ट करेंगे। ये भी सही है तुम्हारी, है ना? जैसे कि मेरे साथ इसने की थी, यहाँ पर नहीं दिखाई थी, घर पे आके मुझे दिखाई थी। निशानी है। वैसे मैं कुछ तो दिखाना चाहता हूँ निदा, लेकिन क्या दिखाओ? गाइस बहुत सारी वैरायटी है, देखो जो दो तीन चीजें अच्छी लगी थी मेरे को, ये हार्ट वाला बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर भी हो रही है, छोटे छोटे, ये भी अच्छा टेडी बेयर, टेडी बेयर बना हुआ है। कलर फेड हो जाते हैं, सब बोलते हैं। हाँ तो जान, क्या यार निदा, तुम कैरेट लेन में खड़े थे, कैरेट लेन की बुराई कर रहे हो।
तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ ना कुछ पसंद आया है, बट हम लोग सोचे कि कुछ चीजों का ऑप्शन रखते हैं। अब हम लोग जाएंगे तनिष्क के अंदर का, तनिष्क में उससे बेटर, मतलब वो हम लोग ने फिक्स कर लिया। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो मुझे ऐसा कि अच्छा दे, ऐसा दो कि बच्ची को याद है जिंदगी भर, यार इतना क्यूट सा दिए थे, यू नो मतलब सब सोना ही खरीदना देगा मॉल में। मैं क्या बोलता हूँ निका, अब नाइजल के लिए ना ये सब बड़ा बड़ा खरीद लेते, पूरा पूरी बॉडी में पहन लेगी ऐसा लगेगा। बिचारी गर्दन नहीं संभाल पा रही, ये संभालेगी। सोना लेके जो लटकेगी उसे, बोले सोना सोना। बाबा बन जाएगी संजू बाबा। मेरा बहुत मन करता है तुमको एक गिफ्ट देने का, बट अपने मन को मार देता हूँ। मुझे भी नहीं चाहिए, मैं बताऊँ तुमको मेरा मन क्या करता है। क्या करता है? चुप रहो, एकदम मुंह बंद रखो, तुम्हारा जरा भी प्रिय है, धपधिनी से मारूंगा तुम्हारे मुंह में। चलो ना दिखा दो। तो गाइस यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत सारी वैरायटी देखी, बट जो वहाँ देखे वो ज्यादा अच्छा है, उसी पे दिल है, उसी पे दिल है। बट ऐसा होता है ना कि जो पहली चीज देख लेते हैं ना, वो दिल वहीं पर दिल अटक जाता है। सही बात है, कि एक बार 10 दुकान दिख लेना चाहिए। तनिष्क मां के तुम्हारा डायमंड भी चमक रहा है एकदम निकाल। अच्छा मत लगाओ, मैं तो सोचू मेरा भी चेंज करवा दूं। वाह यार निदा, क्या मस्त दिख रहा है ना, एक से एक डायमंड है मालूम तुम्हारे को। तो हम लोगों को तनिष्क में वैरायटी दिखी, बट इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी बच्चों में जितनी होनी चाहिए। तो अभी वहां से निकल के हम लोग जा रहे हैं मियां में, जो भी तनिष्क का प्रोडक्ट है। कैरेट लेन, तनिष्क और मियां तीनों एक ही कंपनी है, बस पार्टनर है। ओ दिख गया, दिख गया। चलो वहां जाके देखते हैं वहां पे क्या वैरायटी है, अगर वहां पे कुछ अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कैरेट लेन में जो हमें पसंद है हम वही ले लेंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि हम लोगों ने क्या लिए। यहां पर भी हमें नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं बच्चों के लिए, सब बड़े लोगों के लिए है। तो जो पसंद किया वही ले लेंगे। सबसे बेस्ट मेरे को वही लग रहा है। डन डन डन। व्हाट से? तो गाइस हम लोगों ने ऑलरेडी ले चुके हैं और उसे गिफ्ट रैप भी करा चुके हैं, क्योंकि बोलो क्या, क्योंकि क्योंकि क्या क्या क्योंकि हमें गिफ्ट देना है। हाँ तो समझ में कॉमन सेंस तो है निदा। जो मेन शॉपिंग थी वो हो गई, अब जाना है घर के, अब कुछ और लेना है। लेना है ना और भी सामान, कपड़े, लत्ते, बच्चा भी पैदा हुआ है उसके लिए बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी। जैसे अपन नया नया घर कैसे शिफ्ट करते, तो घर के लिए सब नई नई चीजें लेते हैं। जैसे अभी बच्चा आया है तो उसके लिए नया नया चीज लेंगे ना पागल। तो क्या लेंगे? ये बार्गेन बुक में से लेंगे, बुक लेंगे क्या? पढ़ेगी बचपन से, बचपन से उसको आइंस्टाइन बनाएंगे, वो साइंटिस्ट। तुमको ये पसंद आया नहीं? यार तो फिर बहुत फैंसी है। तो फैंसी तो बच्चे को फैंसी पहना होगा ना बच्चों को। आई मीन नॉट दैट फैंसी की सब लेते हैं यार, उसके छोटा छोटा ये सब। हाँ अच्छा लग रहा है ना ये सब। लेकिन पहनेगी कितनी छोटी उम्र में, हो भड़के हुए नहीं अपने ऊपर? हाँ बोलेंगे मेरे टकले पे डाली नहीं है, तुम लोग लेकर आए सब। तो गाइस निदा को ये पसंद आया है, 3 बार घुमाइए मतलब 3,000 रुपए का। अब बड़ों से भी महंगे कपड़े बच्चों के आ रहे थे। मेरी अस्तीन के साथ कपड़ा सोचो नहीं था, 3,000 रुपए का बेच रहे लोग। दूसरी जगह जाते सस्ता मिले थोड़ा, 3,000 में मालूम बंबई में 10 आ जाएंगे। नहीं यार मतलब अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी इसको जरा भी वो नहीं होगा। सही बात है, ये क्वालिटी हमारी जेब को बहुत होगा, क्वालिटी डिक्रीज कर देगी जेब की। निदा अपन क्यों बुरखे की दुकान खोल रहे? क्योंकि बच्चों के कपड़े की दुकान खोलना चाहिए अपने को। जिसने का बुरखा नहीं होता नहीं, उससे महंगा बच्चों का कपड़ा है, मतलब हद हो गई है। स्मार्ट है, लोगों को मालूम है कि बच्चा एक बार पहनने वाला है, और वो भी बच्चा तो कितना टाइम पहनेगा? ये बच्चा एक महीना भी नहीं पहनेगा कहीं। हाँ। जो बच्चे की साइज बढ़ जाएगी, बच्चे का कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सोच रहे कि कुछ बेबी के लिए ऐसा ले जो उसको 2-3 महीना चले हुए, और मतलब ऐसे प्राइस में रहे कि हम लोग ज्यादा सामान ले सके। ऑब्वियसली क्योंकि उसको हर महीना नया कपड़ा चाहिए, तो हर महीने के लिए इंसान का बजट भी तो होना चाहिए। बच्चे कपड़े खरीदते खरीदते खुद के कपड़े फट जा रहे हैं। बहुत क्यूट है क्या, बस इतना महंगा, मेरी माँ की कसम, मैंने मेरी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था बच्चों के कपड़े इतने महंगे मिलेंगे। बताओ तभी सब दुकानें लोग खाली। अच्छा है यहाँ पर 2-3 लोग है गाइस, लगता है सस्ता रहेगा। मैं क्या बोलता हूँ, सेल्समैन से पूछने से पहले खुद ही प्राइस देख लो कितने का है। हाँ मैं वही कर रही हूँ, फिर ही पूछो। तो क्यूट है, मैं क्यों बच्ची नहीं हूँ। पहले तुम्हारे हाथ में आ जाएगा निदा, निदा को कुछ तो मिला है बहुत ही क्यूट, और जेनरली बहुत क्यूट लग रहा है। थोड़ी बड़ी होगी तो ही पहन पाएगी। हाँ तो ठीक है ना, थोड़ी बड़ी होगी तब भी जाएंगे ना उसको। वैसे भी तुम 6 महीने के बाद ही सोच रहे थे ना कि उसको काम आएगा। हाँ। अभी के लिए तो बहुत कपड़े मिलने वाले उसको छिल्ले में। मस्त लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, ले लो। सूफी लड़की हुई तो समझ गए ना कौन से सेक्शन से कपड़े लेना है, लड़का हुआ तो समझ गए ना कौन से सेक्शन से लेना है। समझ गया, ये सेक्शन में से जो भी ब्राइट कलर रहेगा वही लेना। ठीक है, सिखा दिए। बस फिर भी तुमको साथ में मेरे शॉपिंग करना आना ही पड़ेगा, मेरे को नहीं समझ में।
हमारा, मैं बेबी गर्ल के लिए ना यहाँ पर मामाज बॉय लिखा हुआ है, मैं वो खरीदने वाला था। मतलब खरीद तो क्या फर्क पड़ता, बच्ची तो है। नहीं नहीं ये देखो यहाँ पे भी कितने क्यूट क्यूट कलर्स हैं, ऐसा कुछ लेना इधर तुमको आना ही पड़ेगा, मेरे को मालूम है, और तुम मेरे को अकेले भेजोगे भी नहीं। तो गाइस फाइनली हम लोग को नवी मुंबई में एक शॉप जाके मुश्किल से मिली, जहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज थी और इतने अच्छे अच्छे रेट्स में थी कि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि बस ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो हमने बहुत सारा सामान ले चुके हैं गाइस, यस। और हमने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया वो टाइम पे बिकॉज मुझे आप लोगों को एक एक डिटेल में बताना है कि मैंने क्या क्या ली, वो जाके मैं आपको डायरेक्टली घर पे बताऊंगी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी मिसबा के घर पे, क्योंकि मिसबा ने आज बिरयानी बनाई है निदा के लिए स्पेशली। तो और मैं मिसबा को दिखा रही हूँ गिफ्ट कि मेरे को सिर्फ रिएक्शन लेना है, हाउ इज इट, मैं उल्टा बोल रही थी, वाह वाओ क्यूट है ना, कितना क्यूट है यार छोटा सा। चलो ठीक है अब गाइस के आगे मैं नहीं बताऊंगा। तो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं और निदा और मैंने डिसाइड किए कि आप लोगों को हम लोग बता देंगे कि हम लोगों ने क्या क्या लिया, क्योंकि निदा बोली कि नहीं हम लोग सब्सक्राइबर से कुछ नहीं छुपाएंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स को कभी लेना पड़े एक दो दिन में तो वो जाके खरीद सकते हैं ये ऐसे ऐसे कपड़े मिलते हैं करके। तो निदा दिखा देवे, चलो लेके आऊं फिर सब। यस प्लीज, सब कुछ बड़ा वाला भी लेके आऊं जो लिए। तो गाइस हम लोगों ने इतना सारा सामान ले लिए कि अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरू कैसे करें। तो मैं सबसे छोटी चीज से चालू करूंगी, ये है उसका तूतर। तूतर तूतर मतलब जो बच्चे लोग जब दांत आ जाते हैं ना लोग चबाने के लिए चाहिए, तो मैंने एकदम सॉफ्ट वाला और एकदम ऐसा वाला लियो, बेस्ट क्वालिटी का लियो, इतना क्यूट क्वालिटी, देखो क्वालिटी मस्त है। नहीं छी जिरासम बैठेंगे उसके ऊपर, जिरासम जिरासम मतलब बैक्टीरिया हमारे मुंह के। फिर हमने लिए है ये नेल कटर का सेट, जो कि इसमें अलग 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 आता है और बहुत वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम पे भी, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग पूछने भी वाले कि निदा दीदी आपने कहाँ से लिए, बट मैं नहीं बताऊंगी, बताओ इसके अंदर देखो पीछे लिखा। और हम लोग ने लिए आइजल के लिए खाने के लिए चम्मच। वाओ चम्मच भी नरम है क्या, चबा भी सकती हो? नहीं तो फिर चम्मच नहीं चबा सकती, तो फिर घर में जो स्टील के चम्मच यूज करे ना फिर से चम्मच, क्यूट चम्मच रहते हैं ये सब, नहीं तो सब चीजें देने की होती है बच्चों को। और मैंने ली हूँ ट्रैवलिंग के लिए, ओ वाह, तो ये और ये कॉम्बो हो जाएगा, मैंने कॉम्बिनेशन के साथ। अच्छा तभी तो ये ट्रैवलिंग के लिए वो यूज कर सकती, घर में तो वो कटोरी चम्मच में भी खिला सकती। बात तो सही है तुम्हारी, बट ट्रैवलिंग के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो ये मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्यूट से सॉक्स लिए, उसकी टोपी भी है सॉक्स है, और मेरे को एक पूरा सेट मिल गया टोपी का, तो मैंने वो ले ली पिंक कलर में बिकॉज शी इज गर्ल ना, लड़की लोग के बहुत सारे रहते हैं मालूम। और फिर मैंने ये भी ली इसका पाउडर मेकअप करने के लिए, अनिता बचपन से उसको मेकअप की आदत डलवा दोगे तुम मेरे को लगता है, अभी तो बड़ी हूं तो उसको मेकअप बॉक्स भी दूंगी। और फिर ये भी है शूज, ये शूज एक्चुअली मैंने उसके कपड़ों के लिए मैचिंग के लिए लिए, ये दो नाइट सूट्स लिए हैं जो मतलब गर्मी में पहनने के लिए बहुत अच्छा है, ढीले ढीले। फिर मैंने ये ली लिटिल लेडी लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये भी एक कॉम्बिनेशन जाएगा जो मैंने उसके लिए ड्रेसेस ली उसके ऊपर, ड्रेसेस दिखाएंगे गाइस, दिखाएंगे दिखाएंगे, रुको जरा सबर करो। और ये है हमारा मसलिन का सेट, और ये ऑनलाइन कितना महंगा मिल रहा है, ऑनलाइन बहुत महंगा मिलता है गाइस, ऑफलाइन खरीदना जो भी खरीदना है सच्ची बता, और मसलिन का स्वेडल्स है मतलब जिसमें बच्चों को ऐसा रैप करते हैं, और यही यूज करने का क्योंकि लिए ना इससे रैशेस नहीं होते बेबी को, सही बात, हाथ वात में। मेरा बड़ा माल किधर है, बड़ा माल ये है, कपड़े बताओ कपड़े बताओ कपड़े 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 ही क्या है, हेयर बैंड, हेयर पिन उसका, हेयर बैंड ये भी लियो मैंने, कहाँ छुपा छुपा के रखे हो, अपने इसके साथ जाएगा, हाँ जो टेडी बेयर लिया अपने साथ में, दिखाएंगे दिखाएंगे एक साथ दिखाएंगे, अरे लेके देख चुके हो, अच्छा दिखा दिया, सो गाइस वाओ पूरा सेम टू सेम हो गया, अरे तो मस्त लगेगी आइडल पहने की सब तो। और क्या लियो, फिर मैंने ली हूँ ये क्या बाथरोब, नहीं तो क्या है निदा बताओ, तो ये है बेबी का स्वडल जो बाहर जाने के लिए, और ये कॉटन बेस्ड है, यू नो हायर क्वालिटी का है, नौशीन अगर कभी आइजल को बाहर मतलब दूर किधर लेके गई, कभी यहाँ लेकर आई दूर सफर करके, और लोकली जब वो घूमेगी तो उसके लिए ये बिना कॉटन वाला है, ये बिना कॉटन वाला, ये एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट है, मम्मी के घर से अपने घर पे जा रही है तो उसके लिए। सेम मैंने ली हूँ टॉवल भी, टॉवल भी सब बनाने का, और सब फोल्ड कर देना, हाँ, और इस पे वो बना हुआ है एलिफेंट, एकदम तुम्हारी फोटो बनी हुई। गाइस ये सब आप लोगों को हम लोग ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं, जब आइजल को पिनाएंगे तब हम लोग आप लोगों को आइजल की शक्ल के साथ दिखाएंगे वो माशाल्लाह कैसी लगेगी, इसके अंदर इतनी खूबसूरत लगेगी ना, अल्लाह नजर से बचाए सच्ची बता रहा हूँ मैं। yes, और हाँ। फिर मैंने एक ये ली हूँ जंपसूट के लिए, जंपसूट ना घड़ी नहीं मारूंगा मैं, खोलना नहीं जरा भी, हाँ बोली थी ना, अब आएगा बड़ा बड़ा माल, ये है आइजल के लिए बाथरो, मैं पहनूंगा इसको नीदा, मेरे को आएगा ये, तुम्हारा एक हाथ भी नहीं घुसेगा उसके अंदर, देखो ना मैं मेरी लाइफ में कभी आज तक नहीं पहना हूँ। फिर हम लोग ने लिए है ये जंप सूट, ट्रैक सूट है, थोड़ा सा मोटू है, नहीं नाइट सूट बाहर पहन सकते इसको पागल, नाइट में थोड़ी पहनेंगे इतना अच्छा कपड़ा कोई, मैंने ज्यादातर उसके लिए बाहर के वेयर के लिए ली हूँ, दोनों
कलर्स बहुत मस्त है, मस्त है, और वो गोरी भी है ना माशाल्लाह, तो उसको खूबसूरत भी लगेगा। और भी सामान थे ना। और गाइज ये रहा सबसे खतरनाक वाला ड्रेस जो है आइजल का, इससे खतरनाक ड्रेस तो मैंने कभी देखा ही नहीं गाइस, इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, पिंकी पिंकी एकदम। मैं तो पिंकी दीपू आइजल को ये ड्रेस पहले दे दूं ताकि वो ना उसके 40 डेज की रिसेप्शन पे यही पहने, बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट है। हाँ दे देते ना, गुब्बू लगेगी, अच्छी लगेगी माशाल्लाह। तो गाइज आप लोगों ने देखा फिलहाल शॉपिंग हम लोगों ने किए है, और भी सामान है बट वो सब सरप्राइज है। एक सरप्राइज तो आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने कैरेटलेन से क्या लिए वो नहीं पता आप लोगों को, मतलब कैरेटलेन से लिए वो पता है, और एक और एक बड़ा सरप्राइज है गाइज नौशीन और आइजल के लिए, तो वो हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे बाद में। मतलब नौशीन के लिए कुछ नहीं है, आइजल के लिए ही सरप्राइज है। दानिश नौशीन की कोई वैल्यू नहीं है अभी, जो भी वैल्यू है बच्चे की वैल्यू है कि नहीं, मेरा भी हो जाएगा। तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे टाइम पे तुम्हारी वैल्यू मैं करूंगा, अगर बच्चे की वैल्यू सब करेंगे, वैसे ही नौशीन के टाइम पे उसकी वैल्यू उसका हस्बैंड करेगा, अगर बच्चे की वैल्यू हम लोग करेंगे, समझे। तो गाइस यही सामान हम लोग गिफ्ट करने वाले हैं अभी तक, और दो बड़े गिफ्ट जो है वो बाद में दिखाएंगे। एक्सट्रीम मतलब एकदम एक्सट्रीम गिफ्ट बोलते ना, एक्सट्रीम गिफ्ट वो वाला गिफ्ट है गाइस। यस, तो अभी इसको फोल्ड करके रखना, फोल्ड करके रख दो। यही तो नहीं पसंद था मेरे को, नहीं था यही नहीं पसंद मेरे को, फोल्ड करके रखना, मैं नहीं करूंगा। और गाइस आइजल के लिए एक और एक सरप्राइज है गाइस, हम लोग उसके लिए भी हैम्पर बनाने वाले हैं, जिसका ब्लॉग हम लोग बताएंगे आप लोगों को, और कैसा हैम्पर बनाएंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने सुफियान भाई कैसे बनाया कैसे बनाया, तो आप लोगों ने मेरा दिमाग तो देख ही लिया, अब आप लोग निदा का दिमाग देखना कि वो हैम्पर निदा कैसे बना, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग इसी का चलता है सब चीजों में, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो गाइस आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को हैम्पर वाली वीडियो पूरी प्रोसीजर के साथ चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी बनाऊंगा, वरना पता चला मैंने बना लिया व्यूज ही नहीं आया तो मेहनत वेस्ट है। सही बात है। चलो व्लॉग एंड कर दो यहीं पर ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। लव यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।